हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका गुरु विद्या में। और आज हम पढ़ रहे हैं जनरल नॉलेज क्वेश्चंस की इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन सीरीज। इसके अंदर अपन इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। द सुप्रीम कोर्ट वॉज सेटअप अंडर, जो सुप्रीम कोर्ट था वो कौन से एक्ट के अंडर सेटअप हुआ था? हमारे पास चार ऑप्शन है। पहला है पिट्स इंडिया एक्ट, दूसरा है रेगुलेटिंग एक्ट, तीसरा है इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861 या फिर इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1892। हमारा आंसर क्या है? बी, जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसके अंडर ही, उसके अंतर्गत ही सुप्रीम कोर्ट बना था, ठीक है, सेटअप हुआ था। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट वॉज अनसक्सेसफुली सॉट टू बी इम्पीच्ड, तो ऐसा कौन सा जज था सुप्रीम कोर्ट का जिसको इम्पीच करने की कोशिश तो की गई थी लेकिन वो इम्पीच हुआ नहीं था, इम्पीच यानी हटाने की कोशिश की गई थी लेकिन वो हटा नहीं था। हमारे पास चार ऑप्शन है। पहला है जस्टिस एच आर खन्ना, दूसरा है जस्टिस ए एन ग्रोवर, तीसरा है जस्टिस एम हिदायतुल्ला या फिर जस्टिस रामास्वामी। हमारा आंसर क्या है? डी, जो जस्टिस रामास्वामी थे उनको हटाने की कोशिश तो की गई थी लेकिन वो हट नहीं पाए थे, ठीक है। आगे चलते हैं अब हम। इफ द पार्लियामेंट पासिस अ लॉ विच इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, इट कैन बी डिक्लेयर्ड एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल बाय द, तो अगर पार्लियामेंट कोई ऐसा लॉ पास करता है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, तो उस केस में वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाता है। तो उसे कौन अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करके और हटा सकता है, कौन करता है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है ये लॉ? हमारे पास चार ऑप्शन है। पहला है सुप्रीम कोर्ट, दूसरा है प्रेसिडेंट, तीसरा है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर चौथा है बेंच ऑफ हाई कोर्ट जजेस, यानी कि हाई कोर्ट जजेस की एक बेंच। हमारे पास चार ऑप्शन है। आंसर क्या है हमारा? ए, सुप्रीम कोर्ट। जो सुप्रीम कोर्ट है वो ऐसे लोगों को कह सकता है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है, तो इसलिए इसको हटाओ। आगे चलते हैं अब हम। अ सिविल केस बिकम्स अ फिट केस फॉर अपील टू द सुप्रीम कोर्ट इफ, तो जैसे नॉर्मली सिविल केसेस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं आप अप्लाई कर सकते हो, मतलब उसको सुप्रीम कोर्ट में नहीं पेश किया जाता है, लेकिन ऐसा सिविल केस भी पेश किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में अगर, हमारे पास चार ऑप्शन है। इट इन्वॉल्व्स अ पॉइंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, अगर उसमें कोई कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का कोई पॉइंट आ रहा है। बी है द हाई कोर्ट सर्टिफाइज दैट इट इन्वॉल्व्स अ पॉइंट ऑफ लॉ एंड नीड्स इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि अगर हाई कोर्ट ये कहता है कि इसमें पॉइंट ऑफ लॉ ऐसा है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसका इंटरप्रिटेशन चाहिए, यानी उसका क्या कहते हैं उसको, कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन चाहिए, ठीक है। सी है इट इन्वॉल्व्स अ सम ऑफ मनी ओवर 10,000, कि वो 10,000 से ज्यादा का केस है। या फिर डी है द केस हैज कम टू द हाई कोर्ट अंडर एन अपील फ्रॉम अ सबॉर्डिनेट कोर्ट, कि वो हाई कोर्ट के अंदर जो केस आया था वो सब उसके अपील के थ्रू आया था सबॉर्डिनेट कोर्ट से, यानी उससे भी छोटा कोर्ट था उससे अपील करके कोई लाया था हाई कोर्ट में उसको, उस केस में। हमारा आंसर क्या है? बी, द हाई कोर्ट सर्टिफाइज दैट इट इन्वॉल्व्स अ पॉइंट ऑफ लॉ एंड नीड्स इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि हाई कोर्ट ये कहता है कि इसमें एक पॉइंट ऑफ लॉ है वो इंक्लूड हो रहा है, मतलब कि ऐसा कोई लॉ आ रहा है जिसमें कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका इंटरप्रिटेशन की जरूरत है, ठीक है, तो उस केस में वो सुप्रीम कोर्ट में आ सकता है, सिविल केस भी। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द मिनिमम नंबर ऑफ जजेस टू सिट ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच और ऑन बेंच विच, तो कम से कम नंबर जो जजेस के होते हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच पे बैठते हैं या फिर किसी और बेंच पे बैठते हैं, विच गिव्स इट्स एडवाइजरी ओपिनियन ऑन द रेफरेंस बाय द प्रेसिडेंट मस्ट बी, सॉरी ये इसी के अंदर है, और ऑन बेंच विच गिव्स इट एडवाइजरी ओपिनियन ऑन द रेफरेंस बाय द प्रेसिडेंट मस्ट बी, या फिर या तो ऐसी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होनी चाहिए या फिर ऐसी कोई बेंच जो कि एडवाइजरी ओपिनियन यानी कि एडवाइस करती है किसको, प्रेसिडेंट को, ठीक है, कि एडवाइस करती है ऑन द रेफरेंस ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि प्रेसिडेंट जो कहता है उसके आधार पर एडवाइस करती है, तो ऐसी बेंच हो या फिर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच हो, तो उस केस में जो मिनिमम नंबर ऑफ जजेस चाहिए वो कितने होने चाहिए? यहाँ पास चार ऑप्शन है। वन हाफ ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट के जो टोटल जजेस होते हैं उसके आधे, दूसरा है 7 यानी 7, तीसरा है 3 या फिर चौथा है 1/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द कोर्ट, कि जो कोर्ट की जो टोटल स्ट्रेंथ होती है मतलब टोटल नंबर ऑफ जजेस होते हैं उनका 1/3। हमारा आंसर क्या है? ए,
ठीक है, ये ए है, ये 1/2 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, यानी सुप्रीम कोर्ट के आधे नंबर के जज होने चाहिए उसमें कम से कम। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड, तो जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनको कौन अपॉइंट करता है? ए बाय द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। बी बाय द प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है किससे सलाह लेकर? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से। तीसरा है बाय द प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड आउट ऑफ द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एज मे बी डीम नेसेसरी फॉर द पर्पस, कि जो प्रेसिडेंट है वो चीफ जस्टिस से सलाह लेकर जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस बचे हुए हैं, मतलब जजेस जो हैं अभी, उनमें से किसी को बनाता है जज सुप्रीम कोर्ट का। डी है बाय द प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद प्राइम मिनिस्टर, कि प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर की सलाह के साथ। तो हमारा आंसर क्या है? सी, बाय द प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड आउट ऑफ द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एज ही मे डीम नेसेसरी फॉर द पर्पस, कि प्रेसिडेंट जो है वो चीफ जस्टिस की सलाह से लेकर और जो जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अभी, उनमें से जिसको उसको लगता है कि ये सही है इस काम के लिए, उसको ही जज बनाता है फिर सुप्रीम कोर्ट का। आगे चलते हैं अब हम। द रूल्स फॉर रेगुलेटिंग द प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑफ सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 145 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर मेड बाय, तो जो रूल्स हैं जिससे कि जो प्रैक्टिस और प्रोसीजर होता है सुप्रीम कोर्ट का, कि सुप्रीम कोर्ट कैसे काम करेगा, कैसे कैसे काम करना है उसको, जो कि आर्टिकल 145 में दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन के, वो किसके द्वारा बनाए गए हैं? हमारे पास चार ऑप्शंस हैं। ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाए गए हैं। बी सुप्रीम कोर्ट विद द अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाए गए हैं प्रेसिडेंट के अप्रूवल के साथ। सी सुप्रीम कोर्ट अलोन, कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही बनाए गए हैं खाली। या फिर डी है सुप्रीम कोर्ट इन कंसल्टेशन विद द बार काउंसिल ऑफ इंडिया, कि सुप्रीम कोर्ट ने बनाए हैं किसकी सहायता के साथ? बार काउंसिल ऑफ इंडिया की। तो हमारा आंसर क्या है? बी, सुप्रीम कोर्ट विद द अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रेसिडेंट की अप्रूवल के साथ बनाए हैं ये रूल्स। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम। विच इज नॉट करेक्ट स्टेटमेंट, विच इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट, ये चार स्टेटमेंट है, इनमें से कौन सा सही नहीं है, बाकी सारे सही है। ठीक है, तो है द सुप्रीम कोर्ट, पहला है इज अ वॉच डॉग ऑफ सिटीजन्स लिबर्टी, जो सुप्रीम कोर्ट है वो रखवाला है किसका? जो हमारे सिटीजन्स हैं उनकी आज़ादी का। बी है इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन, जो सुप्रीम कोर्ट है वो कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करता है। सी है प्रोटेक्ट द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो जो स्टेट है उनके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को प्रोटेक्ट करता है। या फिर डी है सेटल्स इलेक्टोरल डिस्प्यूट्स ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कि जो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट हैं इंडिया के, उनके इलेक्टोरल डिस्प्यूट्स अगर कोई होते हैं, यानी कि जैसे इनके इलेक्शन के टाइम पे कोई डिस्प्यूट हुआ तो उनको सेटल करता है। तो हमारा आंसर क्या है? सी। तो खाली एक यही सही नहीं है कि प्रोटेक्ट द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो जो सुप्रीम कोर्ट है वो नहीं प्रोटेक्ट करता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को। ठीक है, बाकी सारे सही हैं, कि वो वॉच डॉग भी है सिटीजन्स की लिबर्टी का, कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट भी करता है और इलेक्टोरल डिस्प्यूट्स को भी सेटल करता है प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के। ठीक है, आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द सैलरीज ऑफ द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, तो जो जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, जो उनकी सैलरीज होती है उनके केस में, यहाँ पर चार ऑप्शंस हैं। कैन नेवर बी रिड्यूस अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस, कि वो किसी भी केस में कम नहीं की जा सकती है। बी है कैन बी रिड्यूस ड्यूरिंग देयर टर्म ऑफ ऑफिस, कि वो कम की जा सकती है जब वो ऑफिस में हो, यानी जब वो जज हैं तब उनकी सैलरी जो है वो कम की जा सकती है। सी है कैन नॉट बी रिड्यूस्ड ड्यूरिंग द टर्म ऑफ देयर ऑफिस एक्सेप्ट ड्यूरिंग फाइनेंशियल इमरजेंसी, कि जब वो ऑफिस में होते हैं यानी जब वो जजेस होते हैं उस टाइम पे किसी फाइनेंशियल इमरजेंसी के अलावा वो कभी भी कम नहीं की जा सकती उनकी सैलरी। या फिर डी है आर फिक्स्ड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा फिक्स की जाती है। हमारा आंसर क्या है? सी, कैन नॉट बी रिड्यूस ड्यूरिंग द टर्म ऑफ देयर ऑफिस एक्सेप्ट ड्यूरिंग फाइनेंशियल इमरजेंसी, यानी कि खाली फाइनेंशियल इमरजेंसी के टाइम पर ही जो सैलरी होती है जैसे सुप्रीम कोर्ट के वो कम की जा सकती है, उसके अलावा कभी कम नहीं की जा सकती है। ठीक है, आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द मेन सोर्स ऑफ इंडिया इन लॉ आर, जो इंडिया है उनके अंदर जो लॉ का मेन सोर्स है वो क्या है? हमारे पास चार ऑप्शन है। पहला है कॉन्स्टिट्यूशन, कि कॉन्स्टिट्यूशन से लॉ बनता है। दूसरा है स्टेट्यूट्स, कि जो और स्टेट्यूट्स यानी जो एक्ट आते हैं उनसे लॉ बनता है। तीसरा है कस्टमरी लॉ,
जो चलता हुआ आ रहा है लॉ उनसे, या फिर चौथा है जुडिशियल डिसीजंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये जो सुप्रीम कोर्ट है उनके जो डिसीजंस आते हैं उनसे लॉ बनता है। तो हमारे पास चार ऑप्शंस हैं कि ए है कि पहला और दूसरा सही है, बी है पहला दूसरा और चौथा सही है, सी है दूसरा और चौथा सही है, या फिर डी है पहला दूसरा तीसरा चौथा चारों सही है। तो हमारा आंसर क्या है? डी, क्योंकि जो लॉ बनता है वो इन चारों चीज़ों से बनता है, चारों चीज़ों में से बन सकता है। किस किस से? कॉन्स्टिट्यूशन से भी बन सकता है, स्टेट्यूट से भी बन सकता है, कस्टमरी लॉ से भी बन सकता है, और जुडिशियल डिसीजन होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, सुपीरियर कोर्ट के, उससे भी बन सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पर। जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया डज नॉट एक्सटेंड टू, तो जो जुडिशियल रिव्यू की पावर है वो इंडिया के अंदर वो कहाँ तक नहीं जा सकती है, डज नॉट एक्सटेंड टू। हमारे पास चार ऑप्शन हैं। द एडवाइस दैट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स गिव टू द प्रेसिडेंट, कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो एडवाइस देते हैं प्रेसिडेंट को उस पर कोई जुडिशियल रिव्यू नहीं लग सकता है। बी है द डिस्क्रिशनरी पावर्स ऑफ द गवर्नर्स, कि जो गवर्नर्स की जो पावर्स होती हैं खुद की उनके ऊपर जुडिशियल रिव्यू नहीं रख सकता है। सी है द प्रिविलेजेस इंजॉयड बाय द पार्लियामेंट मेंबर्स, कि जो पार्लियामेंट मेंबर्स जो है वो प्रिविलेजेस जो बेनिफिट्स जो उनको मिलते हैं उस पर कोई जुडिशियल रिव्यू नहीं लग सकता है, या फिर डी है एनी ऑफ दी अबव, के ऊपर में से कोई किसी पे भी जो जुडिशियल रिव्यू है वो नहीं लगता है। तो हमारा आंसर क्या है? डी। इसका मतलब क्या हुआ कि इन तीनों चीजों पर जुडिशियल रिव्यू जो है वो नहीं लगता है। जुडिशियल रिव्यू का क्या मतलब हुआ कि सुप्रीम कोर्ट चेक कर सकता है कि ये काम सही है कि नहीं है, ठीक है, तो वो चीज वो नहीं कर सकता है इस पे। तो जुडिशियल रिव्यू इन तीनों चीजों पर नहीं लगता है। ठीक, तो इसी के साथ हमारे इस वीडियो के क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों ने कुछ नया सीखा होगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।